बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीकरर्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार पर दोस्तों, गोभी गोश्त की रेसिपी है और मैं आपको गोश्त से रिलेटेड इतनी बातें आज बताऊंगा कि इसकी स्मेल कैसे ख़त्म करनी है, टेस्ट कैसे लेके आना है, किस तरह से आप इसको स्पेशल बना सकते हैं। तो रेसिपी को कम्प्लीट देखिएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यहाँ पर 1 kg मेरे पास बीफ है, यानी कि बड़ा गोश्त। और लोगों की एक शिकायत है, जितनी मर्जी बड़ी इलायची डाल दें इसकी स्मेल नहीं जाती। तो इसका एक ट्रीटमेंट मैं आज आपको बताऊंगा। आपने इसमें पानी डाल लेना है काफ़ी सारा, और तेज़ आंच के ऊपर आपने इसको देने हैं 3 बॉयल। 2 से 3 बॉयल के अंदर इसके ऊपर एक झाग सी आ जाएगी, एक मैल सी आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, इस मैल को आपने उतार देना है। ये यखनी नहीं है, ये जस्ट मैल है। इसको आपने फेंक देना है और गोश्त को धो लेना है। यकीन करिए, इतनी सारी ये चीज़ें जो स्मेल ऊपर से उतरी है ना, ये वाली, आपके एक तो मीट का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि टेस्ट, और दूसरी बात किसी भी तरह की स्मेल नहीं रहेगी। तो आइए, ये है हमारे पास अपना प्यारा सा प्रेशर कुकर। इस गोश्त को मैंने धो लिया था, अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। खुले पानी में अच्छे से धोना है इस गोश्त को आपने, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, और अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्लेवर खुशबू दोनों चीज़ों के लिए 1 टेबल स्पून। ये है टमाटर, एक बड़े साइज़ का आप टमाटर लें, लाल सा खूबसूरत सा। और ये है 3 बड़ी इलायची, स्मेल और खुशबू दोनों चीज़ों के लिए। और ये है दालचीनी का छोटा सा पीस। इसके बारे में एक और बात है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा दालचीनी के बारे में। 3 छोटी इलायची जाएंगी फ्लेवर के लिए, और 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। और लाल मिर्च का पाउडर इतना लाल क्यों है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नमक जाएगा 1 टेबल स्पून। याद रखिएगा, इसमें गोभी जो है वो 1.5 किलो जा रही है, ठीक है। तो मसाले उसी हिसाब से 1/4 टीस्पून जाएगी हल्दी। सर्दियां हैं, हल्दी का इस्तेमाल शुरू कर दें अगर आप नहीं करते तो, ये घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। तकरीबन 1.5 ग्लास इसमें पानी का जाएगा, इतना कि गोश्त इसमें डीप हो जाए। अब हम प्रेशर कुकर को रखते हैं गैस पे, और हम इसको सीटी लगाएंगे तकरीबन 18 से 20 मिनट। डिफरेंट इलाकों में गोश्त डिफरेंट टाइप का होता है, तो आपने तब तक इसको सीटी लगानी है कि जब तक आप इसको चेक करें और गोश्त गला हुआ हो। इन केस आप खोलें और गोश्त गला हुआ ना हो, तो आप 4-5 मिनट मज़ीद इसको कुकर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखें, ये गल चुका है, ठीक हो गया। तो आइए मेन रेसिपी की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेवर कैसे लाया जाता है, इसके अंदर क्या ऐसी टिप्स हैं जो अगर आप फॉलो करें तो आपका जो गोभी गोश्त है वो बेस्ट बनेगा। तो ये लीजिए, अब आपने इसकी भुनाई करनी है। अगर इसके अंदर यहाँ पर पानी हो तो आपने तेज़ आँच करके इसका पहले पानी ड्राई कर लेना है। तो पानी हमने पहले ही क्वान्टिटी बड़ी अच्छी ऐड की थी, पानी नहीं है इसके अंदर। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल का, क्योंकि गोभी भी इसमें काफ़ी जाएगी अभी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे टेस्ट डेवलपमेंट होगी, ठीक है। टेस्ट जो सारी हमारी हांडी का है ना, वो यहाँ पे अब बनेगा। आपने इसकी भुनाई करनी है लंबी चौड़ी, और दालचीनी को लेके ये था कि जब आपका मीट जो है वो गल जाया करे तो दालचीनी के टुकड़े को बाहर निकाल के फेंक दिया करें, इसका फ्लेवर बहुत हाई होता है। तो इसकी भुनाई आपने करनी है तब तक जब तक ये वाली चमकदार लुक ना आ जाए, आपको एक भुने हुए गोश्त की खुशबू आना ना शुरू हो जाए। यही जो है टेस्ट डेवलपमेंट होती है। अब हम इसमें जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, भुनाई हो जाए तकरीबन 12-15 मिनट, फिर आपने एक प्याली इसमें दही की ऐड करनी है तकरीबन 100 से 150 ग्राम, और दही को अच्छे से फेंट के फिर आपने मीट के अंदर ऐड करना है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, हरी मिर्चें यहाँ पे ऐड करेंगे, और तकरीबन 3 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, थोड़ी से लंबे साइज़ की कटी हुई, ताकि इसकी खुशबू जो है बरकरार रहे। अगर छोटी साइज़ की हरी मिर्चें हों तो वो फ्लेवर के लिए होती हैं, बड़े साइज़ की कटिंग हो तो वो खुशबू फ्लेवर दोनों के लिए होती है। अब यहाँ पे आप मसाले की लुक देख लें, ये बिल्कुल तैयार है, भुनाई कम्प्लीट हो चुकी है, ठीक हो गया। अब इसमें अदरक ऐड करके हम गोभी ऐड करेंगे। 1.5 किलो मैंने गोभी ली थी, जिसको काट के अच्छी तरह से धो लिया था, फिर मैंने ऐड किया। अब आपने इसको करनी है इसकी मिक्सिंग, और इसी खुशबू के अंदर आपने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है गोभी की, ठीक हो गया। फ्लेम यहाँ पे तेज़ होगा, और इसी कोरमे की ग्रेवी के अंदर जब ये भुनाई होगी इसकी गोभी की, तो यकीन करिए ऐसी खुशबू इसके अंदर जाएगी के सुभान अल्लाह। जब हमने कोई 7-8 मिनट इसकी भुनाई कर ली, फिर हम क्या करेंगे, एक छोटी प्याली मतलब कि 1/2 कप तकरीबन इसमें पानी का जाएगा, और अब हम ढक्कन रख देंगे
जब तक ये हमारी जो गोभी है ये अच्छे से गल ना जाए, ठीक है। तकरीबन 8 से 10 मिनट ये लेगी। और यहाँ पे देखिए गोभी जो है वो बैठ चुकी है, मतलब कि गल चुकी है। अब हम इसको एक दफ़ा अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखें जी, खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन अभी कच्ची कच्ची है। दोबारा इसके ऊपर रखेंगे ढक्कन और इसको पकाएंगे, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी जो गोभी है तकरीबन डन होने वाली है, लेकिन अभी इसमें हल्का सा थोड़ा सा ना कच्चापन है, इसको मज़ीद पकाना पड़ेगा। तो खुशबू से पता चल जाता है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, एंड पे ये चीज़ें जाएंगी बिल्कुल, और 1 टीस्पून ही जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। ये स्टार्ट में कभी ऐड नहीं किए जाते ये वाले मसाले जो हैं। तो यहाँ पे काली मिर्च मैं ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि अगर अभी ऐड की तो अभी थोड़ा सा प्रोसेस है, तो ये हमारी जो गोभी है ये काली हो सकती है। ये एक छोटा सा टिप है, जेहन में रखा करें। मज़ीद मैंने पकाई कि इसकी 5-7 मिनट, और ये है हरा धनिया। खुशबू खूबसूरती दोनों चीज़ों के लिए। और मिक्सिंग करने के बाद बिल्कुल एंड पे मैं इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून जस्ट काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगा, और फिर इसको कर देंगे मिक्स। तो अब इसको यहाँ पे हमारी जो गोभी है वो डन है। अगर आप इसको मज़ीद घुली हुई पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके मज़ीद पका सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लुक देखिए, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे मुंह में आ गया है पानी। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अंसारी को इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।